हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अगर आपके फ़ोन पर फ्लिपकार्ट पर आपको यहाँ पे हैंग का प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर जब आप लोग फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं और जो है स्क्रॉल करते हैं तो आपके फ़ोन पर जो है स्क्रॉल जो है हैंग करने लगता है। ओके, तो इसको जो है आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करनी है, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन को जो है इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ पर चेक करना है अपने फ़ोन में। तो कभी कभी जो है इसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो है बहुत दिनों से अगर आप लोगों ने यहाँ पर फ्लिपकार्ट को अपडेट नहीं किया है प्ले स्टोर में जाके, तो फिर भी आपको जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग यहाँ पर जो है प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से आप लोग फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन में जाना है, और एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशन में आ जाना है। ऑल एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको उसको जो है सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन है ना उसको आपको जो है सर्च कर लेना है। तो सिंपली से आप लोग यहाँ पर सर्च कर लीजिए, या तो फिर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख के भी सर्च कर सकते हैं फ्लिपकार्ट करके। तो आप लोग उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आता है, तो फोर्स स्टॉप कर लीजिए, या तो फिर आप लोग यहाँ पर स्टोरेज एंड कैचे पे जाकर यहाँ पर इसका जो डेटा है वो आप लोग यहाँ पर क्लियर कैचे कर लीजिए, या तो फिर आपके फ़ोन में क्लियर डेटा का ऑप्शन आता है तो आप लोग यहाँ पर क्लियर डेटा कर लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी।